बात करते हैं गुजरात चुनाव को लेकर आज तक के एग्जिट पोल की। गुजरात चुनाव के नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उससे पहले बीजेपी एग्जिट पोल देखकर गदगद नजर आ रही है। इंडिया टुडे और एक्सेस माय इंडिया ने एग्जिट पोल के लिए गुजरात की सभी 182 विधानसभाओं से 42,156 सैंपल साइज लिए, जिसमें गुजरात में बीजेपी को 129 से 152 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस को 16 से 30 सीट और आम आदमी पार्टी को 9 से 21 सीटें मिलने का अनुमान है। वैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दावा है कि 8 दिसंबर को एग्जिट पोल के उलट नतीजे नजर आएंगे। क्या गुजरात में एक बार फिर चल गया मोदी मैजिक? क्या पीएम मोदी और शाह के गुजरात में 27 साल से दौड़ रहा बीजेपी का विजय रथ जारी रहेगा? क्या गांधीनगर की गद्दी पर एक बार फिर बीजेपी काबिज होगी? क्या 8 दिसंबर को सीएम भूपेंद्र नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं? क्या गुजरात में अब की बार भी भगवा परचम लहराएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि इंडिया टुडे और एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी इतिहास रच सकती है। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में बीजेपी को 129 से 152 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 16 से 30 सीट, आम आदमी पार्टी को 9 से 21 सीट और अन्य को 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। हम आपको बता दें कि इंडिया टुडे और एक्सिस माय इंडिया की टीम ने गुजरात की 182 विधानसभाओं से 42,156 सैंपल साइज लिए, जिसके आधार पर ये आंकड़े सामने आए। अगर एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील हुए तो ये बीजेपी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा, क्योंकि साल 1995 से अब तक बीजेपी ने कभी 127 से ज्यादा सीटें नहीं जीती है। वहीं एग्जिट पोल के मुताबिक आपने सबसे ज्यादा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। पिछली बार बीजेपी ने 99 और कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थी, लेकिन अब कांग्रेस की 47 से 61 सीटें कम हो सकती है। और इसी तरह पिछली बार आम आदमी पार्टी की सभी 29 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन इस बार उसे गुजरात में 9 से 21 सीटों पर जीत मिल सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 20% के करीब रह सकता है, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 46% और कांग्रेस का 26% के करीब रह सकता है। यानी केजरीवाल गुजरात मॉडल में सेंधमारी करने में काफी हद तक कामयाब रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी अभी भी गुजरात में सरकार बनाने का दावा कर रही है, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। गुजरात में सबसे ज्यादा 54 सीटें सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में, जहां पहले चरण में वोटिंग हुई थी। एग्जिट पोल के मुताबिक इस क्षेत्र में बीजेपी जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है और उसे यहां की 54 में से 42 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 8 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर जीत मिलने का अनुमान है। वहीं नॉर्थ गुजरात रीजन में कुल 28 सीटें, जिनमें से बीजेपी को 17, कांग्रेस को 8 और आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है। अगर मध्य गुजरात की बात करें तो यहां की 65 सीटों में से बीजेपी को 52, दक्षिण गुजरात में 35 सीटों में से 29 सीटें बीजेपी जीत सकती है। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में बीजेपी को सबसे ज्यादा 48% महिलाओं ने और 44% पुरुषों ने वोट दिया है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 27% महिलाओं और 25% पुरुषों का वोट मिला है और आम आदमी पार्टी को 19% महिलाओं और 21% पुरुषों का वोट मिला है। अब अगर हम एग्जिट पोल के मुताबिक जाति के आधार पर देखें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा सामान्य वर्ग के 59% लोगों का वोट मिला है। इसके अलावा पिछड़ी जाति के 57%, आदिवासी समुदाय के 33% और ठाकोर और कोली समुदाय के भी बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले, जबकि कांग्रेस को दलित और मुस्लिम समुदाय के सबसे ज्यादा वोट मिले।
गौर करने वाली बात यह है कि एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में आम आदमी पार्टी को बीजेपी से भी ज्यादा दलितों के वोट मिले हैं और अरविंद केजरीवाल मुस्लिम वोटों में भी सेंध लगाने में कामयाब रहे हैं। बीजेपी को दलितों के 28% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि आम आदमी पार्टी को दलितों के 30% वोट मिले हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस को गुजरात में मुसलमानों के औसतन 70% वोट मिलते थे, लेकिन इस बार उसे 55% ही मुस्लिम वोट मिलने का अनुमान है, जबकि आम आदमी पार्टी को पहली बार में ही 30% मुस्लिम वोट मिलते हुए दिख रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल का संदेश कांग्रेस को रास नहीं आ रहा, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि 8 दिसंबर को गुजरात में परिवर्तन होकर रहेगा। वहीं जेडीयू कह रही है कि 8 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो बीजेपी हैरान रह जाएगी, क्योंकि नतीजे एग्जिट पोल से एकदम उलट साबित होंगे। कुल मिलाकर एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी काफी हद तक ये संदेश देने में कामयाब रही कि वो ही गुजरात में बीजेपी का विकल्प है और इसका सीधा फायदा उसे 2024 में पूरे देश में मिल सकता है। आज तक ये